आज है 12 नवंबर और इस समय मेरे गार्डन में क्या क्या चल रहा है उसी की सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए ये रोज़, इसका इस पर जब मैंने कटिंग की थी और इस पर जब फर्टिलाइज़र दिया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो देखिए जब फर्टिलाइज़र देने के बाद इसमें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और देखिए एक ही ब्रांच में कितनी सारी कलियाँ और कितने सारे फ्लावर खिले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए ये डायंथस जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो इसमें मैं 3 कलर्स ले आई थी और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो देखिए तीनों को मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है, ये बड़ा सा साइज़ का पॉट है तो ये 3 कलर के डिफरेंट डिफरेंट जो हैं मैंने लगा दिए। और ये जो कटिंग है ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया है तो इसे भी मैंने इसी पॉट में लगा दिया क्योंकि विंटर में इतने सारे फ्लावर्स होते हैं कि पॉट की कमी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इन्हें अलग अलग पॉट में ना लगा कर एक ही पॉट में लगा दिया। और इसके बाद ये देखिए ये जाफरी, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और देखिए कुछ फूल अब सूखने लगे हैं तो उनको मैं रिमूव कर दूँगी ताकि नई नई कलियाँ बन सकें। तो जो भी फूल सूख जाएँ उन्हें तो पिंच करना ही है ताकि नई कलियाँ बने और ढेर सारे फूल मिले। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल भी जाफरी के। तो इसके अलावा देखिए एक और यहाँ जाफरी मैंने लगा रखी है और इसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो इसे मैं नर्सरी से लेकर आई थी और थोड़े टाइम प्लांट स्ट्रेस में था और अब इसमें कलियाँ ग्रो होने लगी हैं। इसके अलावा ये है बेगोनिया और बेगोनिया में भी देखिए मैं 2 कलर्स लेकर आई थी, तो ये रेड कलर का है और इसकी लीव्स भी देखिए डार्क कलर की होती हैं और इसमें शाइनिंग कितनी अच्छी होती है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, अगर आप सुबह की भी 1-2 घंटे की सनलाइट इसे मिल जाए तो बहुत है। और इसके अलावा मैं एक और इसका कलर लेकर आई थी, वो है वाइट कलर, ये देखिए। तो वाइट कलर की जो बेगोनिया है उसके जो लीव्स भी हैं वो देखिए लाइट कलर के हैं। तो ये 2 प्लांट मैं बेगोनिया के लेकर आई थी और इस बार मुझे बहुत जल्दी मिल गया था ये प्लांट तो मैं खुश हूँ और इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं और जब इनकी ग्रोथ थोड़ी और हो जाएगी तो ये पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है। तो और इसके अलावा ये देखिए ये कैलेंचो की जो कटिंग मैं ग्रो कर रही थी और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये देखिए कटिंग काफ़ी छोटी थी और अब देखिए ये कटिंग बड़ी हो गई है। तो इसकी 2 कटिंग मैंने लगाई क्योंकि पॉट की कमी और जगह की भी कमी है मेरे पास। और ये है मदर प्लांट जिससे मैंने कटिंग ग्रो की है, तो इनमें भी मैंने पिंचिंग की थी तो देखिए पिंचिंग के बाद ये प्लांट भी काफ़ी घना हो गया है और जब अपना सीज़न आता है तो ये प्लांट देखिए अपनी फुल ग्रोथ में होता है और कितना प्रीटी लग रहा है ये पौधा। और इसमें भी कुछ जब ठंड और बढ़ जाएगी तो इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखिए कितने छोटे से पॉट में मैंने इसे लगा रखा है, तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत इसे नहीं होती है क्योंकि ये सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसमें पानी की भी ज़रूरत कम होती है इस पौधे को। तो थोड़ा सा प्लांट को अगर हम जानकर ग्रो करें तो हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं अगर उनकी डिटेल हमें पता हो तो। इसके अलावा देखिए मैं एक हाइब्रिड कैलेंचो भी मैं ग्रो कर रही हूँ और ये देखिए ये रेड कलर के फ्लावर इसमें खिलते हैं। और ये जो छोटी सी कटिंग देख रहे हैं, मैं नर्सरी गई थी और वहाँ नीचे गिरी पड़ी मिल गई थी मुझे तो मैंने उठा लिया था पूछ कर और उसे मैं ग्रो कर रही हूँ। तो अभी देखिए इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये इसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं। तो हाइब्रिड कैलेंचो में जो फूल खिलते हैं वो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और इसके अलावा देखिए ये जेरेनियम की मैं सैपलिंग लेकर आई थी तो इसे भी मैंने पॉट में लगा दिया है क्योंकि इसे भी बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई, नई नई लीफ भी आना शुरू हो गई हैं। तो बस इसे थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट में ना रख कर मैं थोड़ी सी हल्की धूप जहाँ आती है वहाँ रख रही हूँ। और ये गजेनिया की देखिए सैपलिंग जो मैं लेकर आई थी इसे भी मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया है। तो एक सैपलिंग तो मेरी ख़राब हो गई और ये एक सैपलिंग मेरी बच गई है। तो देखिए इसमें भी अभी कोई ख़ास ग्रोथ तो मुझे दिख नहीं रही है, वैसे मैं प्लांट भी ले आऊँगी अगर मैं नर्सरी गई तो। और ये देखिए ये जरबेरा के जो प्लांट्स थे जिन्हें मैंने
अलग करके डिवाइड करके दो प्लांट बना लिए थे, और देखिए इसमें भी अब कलियाँ आने लगी हैं। और ये एक ही प्लांट था तो इसे मैंने डिवाइड करके देखिए दो पॉट में लगा लिया था, और इसमें भी अब ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, और इसमें दोनों प्लांट्स में ही मेरी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो फिर और कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए अब इसमें भी दो प्लांट हैं, मैं चाहूँ तो इन्हें भी अलग कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पॉट नहीं है इसीलिए मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये पिंक, लाइट पिंक कलर का फ्लावर खिलता है इसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फूल एक बार खिल जाएं तो लंबे टाइम तक चलते हैं, 10-15 दिन तक तो आराम से चल जाते हैं, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स। इसके अलावा ये देखिए ये डहेलिया का प्लांट है, इसे मैंने बल्ब से ग्रो किया। तो ये प्लांट मेरे पास पिछले 3 साल से है, 3 या 4 साल से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और हर साल मैं इस प्लांट को सेव करके रख लेती हूँ, चाहे प्लांट रख लूँ। इस बार मैंने इसे बल्ब से ग्रो किया, और जो पुराने बल्ब थे गमले में उसी से मैंने इसे ग्रो किया, और इसमें भी अभी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये देखिए ये सदाबहार के जो मेरे प्लांट्स हैं हाइब्रिड सदाबहार के, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, और हालांकि ये प्लांट्स विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इस समय ये फूल दे रहे हैं। और ये देखिए ये गेंदे के प्लांट जो मेरे पास हैं, इसमें देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हुई है, और एकदम गुलदस्ते जैसा लग रहा है ये प्लांट। और ये देखिए इसमें बहुत सारी अभी कलियाँ भी बन रही हैं, तो एक बार ये फूल भी अगर खिल जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और जब एक बार ये फूल फिर सूखने लगें तो उन्हें हमें हटा देना चाहिए ताकि फिर से प्लांट नए कलियाँ प्रोड्यूस करें। और ये दूसरा प्लांट है, तो देखिए इसमें तो सारे फूल जो थे वो सूख गए थे, और ये एक दो फ्लावर इसमें बचे हैं, तो जो भी फ्लावर सूख जाएं उन्हें हमें हटा देना चाहिए। जैसे ये फूल देखिए सूख गया है तो इसे भी मैं अब हटा दूँगी, वरना ये जो फूल हैं पुराने ये सारी एनर्जी प्लांट से लेते रहेंगे। तो इन्हें मैंने हटा दिया, और देखिए इसमें अब नई नई कलियाँ भी बन रही हैं। और इसके अलावा देखिए ये जो मैं नर्सरी से सैपलिंग लेकर आई थी, तो उनमें भी देखिए अब ये फूल खिलने लगे हैं। और ये जो प्लांट है ये मैंने जो कटिंग से ग्रो किया था ये वही प्लांट है, और हालांकि इसकी मैंने ज़्यादा पिंचिंग नहीं की, और जब इसमें कली आने लगी तो मैंने इसे पिंच नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि फूल को खिलने देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये येलो कलर का। और ये एक और प्लांट है, तो जो बहुत सारे इससे कटिंग्स मैंने ग्रो की थी उसे मैंने अलग से पॉलीबैग में लगा दिया है, और देखिए ये प्लांट भी कितना घना हो गया, और इसमें भी अब कलियाँ आ रही हैं, तो कुछ दिनों में ये भी कलियाँ खिल जाएंगी। और उसके अलावा ये देखिए कैलेंडुला की जो प्लांट्स हैं मैंने सीड से ग्रो किए, और देखिए इसमें भी ग्रोथ अब अच्छी हो गई है शुरू। तो ये सैपलिंग को मैंने अभी ये पॉट में रिसेंटली लगाया, इसलिए कुछ पत्तियां येलो सी भी दिख रही हैं इसकी, क्योंकि थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है रिपोर्टिंग के बाद, तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएंगे। अभी मैंने इन्हें थोड़े से शैमी शेड एरिया में रखा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए ये गुलदाउदी जो मैंने लगाई थी, और ये देखिए कितने घने हो गए हैं सारे प्लांट्स, और अब कुछ में तो देखिए कलियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं नवंबर में इस समय बिल्कुल पिंचिंग नहीं कर रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने नवंबर में पिंच कर दिया था गलती से, और उसके बाद फ्लावर काफ़ी लेट आए थे, तो इस बार मैंने नवंबर में बिल्कुल पिंचिंग नहीं की है ताकि फ्लावर टाइम पे खिल सकें। और ये देखिए एक और प्लांट है, तो देखिए ये काफ़ी सारे मैंने बहुत सारे इसके एक ही गमले में कटिंग्स लगा दी थी, और ये देखिए ये जाफरी जो मैंने क्यारी में लगाई थी, यहाँ थोड़ी धूप कम आती है इसीलिए ये फ्लावर अभी तक खिले नहीं हैं मेरे, तो उम्मीद है ये जल्दी खिलेंगे। और ये देखिए ये जो कटिंग्स मैंने लगाए ग्रो की थी कटिंग से जो गेंदे के पौधे, वो देखिए ये सारे मैंने पॉली बैग में लगा दिए हैं। और ये देखिए ये एक प्लांट से देखिए मैंने कितने सारे प्लांट्स बना लिए हैं नए नए।
तो इन्हें अभी मैंने थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखा हुआ है, और कुछ दिनों में फिर इसे डायरेक्ट सनलाइट में मैं इसे रख दूँगी। तो देखिए एक प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट्स तैयार किए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक कीप ग्रोइंग प्लांट्स, गुड बाय।